विश्व में घूम लीजिए, कोई विश्व का ऐसा देश नहीं मिलेगा जो अपनी धरती को माँ कह के पुकारता हो। बताइए, इंग्लैंड के किसी स्कूल में बच्चों को नारा लगवाया जाता है कि इंग्लैंड माता की जय? अमेरिका में कोई यूनिवर्सिटी सिखाती हो अमेरिका माता की जय? पर भारत का बच्चा बच्चा कहता है कि भारत माता की जय। ये भारत के संस्कार है। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला देश, और ये उस देश की संस्कृति है। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम, प्रसन्न एशाम स्वदितत स्वयं हरि, यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे, मुकुंद सेवौ पैकम स्प्रियाहिनम। ऐसा देश। तो आज बस बात निकल आई, किसी ने कहा कि जितने भी अवतार भी हुए ना, वो सारे की सारे भारत में ही हुए, और अवतार ना भी हो तो हम भारतीयों को अवतार बनाने में कोई देर नहीं लगती, किसी को भी अवतार बना देते हैं। हाँ, मैं ये जरूर प्रार्थना करूंगी भारतीयों से, कृपया अंधविश्वास को कभी बढ़ावा मत दीजिएगा। हमारा जो धर्म है वो लॉजिक से बना हुआ है, विज्ञान अध्यात्म से निकला है, अध्यात्म विज्ञान से नहीं निकला, अध्यात्म से विज्ञान निकला है। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो हम धर्म के नाम पर बट ना जाए, धर्म के नाम पर हम अपने आप को कहीं बांट न ले, इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। भारतीयों की पहचान भारतीयों की एकता में होनी चाहिए। यहां भी आप इंग्लैंड की धरती पर रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी संप्रदाय हैं, लेकिन कभी भी ये भाव अगर भारतीयों के मन में आ गया, अरे ये तो फलानी संप्रदाय का है, ये तो कई बार मुझे ही मिलते हैं, ये तो कच्छी वालों का मंदिर है, जो कच्छ वाले होते हैं ना, तो ये तो उनका है, ये हमारे वालों का, ये सौराष्ट्र वालों का, ये फलान, ठीक है, लेकिन है तो हम सब भारतीय। क्योंकि एक व्यक्ति ने एक बात कही थी, उस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कलेक्ट इंडिविजुअली एन इंडियन इज अ हीरो। क्योंकि आज की परंपरा में देखें तो आप गूगल को ले लीजिए, नासा को ले लीजिए, जितनी संख्या उनमें भारतीयों की है उतनी दूसरे किसी देश के लोगों की नहीं। तो इंडिविजुअली एन इंडियन इज अ हीरो, बट समटाइम कलेक्टिवली वी आर जीरो। कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है कि जब एकता की बात आ जाती है तब हम अपने धर्मों को, अपने अपने भगवानों को लेके बैठ जाते हैं। ये जो मंदिर बनाए जाते हैं ना, खासकर विदेशों में, ये सिस्टम यही मैंने ज्यादा देखा है। भारत में नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन जैसे भारत में एक राम मंदिर है तो राम जी की मूर्ति, हनुमान मंदिर है तो हनुमान जी की मूर्ति, पर यहाँ पर सभी भगवानों की मूर्ति रखनी पड़ती है। उसमें बुराई कुछ नहीं है, लेकिन कारण यह है कि अगर एक ही भगवान की मूर्ति रख दी तो दूसरे भगवान वाले नहीं आएंगे, फिर मंदिर वाले क्या इतना बड़ा बिल्डिंग बना के क्या करेंगे। तो इसलिए विचारों को सब रखना पड़ता है कि चलो ठीक है, सब रखो तो सब आएंगे, ये नहीं होना चाहिए। बात धर्म की आ रही है, बस आगे बढ़िए, ठीक है, आपके मन में आपके भगवान होंगे, आप राम को मानने वाले होंगे, आप कृष्ण को मानने वाले होंगे, लेकिन मंदिरों में पॉलिटिक्स नहीं हो, धर्म में पॉलिटिक्स नहीं हो, मानवता में राजनीति ना हो।